गाइस गाइस कुछ भी बताने का टाइम नहीं है। अभी से एक लड़की जो है बाइक चलाती हुई बाहर से निकली। देखो पहले खा रहे हैं, देखो पहले इनको छोड़ो, पहले खाने कहीं पड़ी है। तो लड़की एक बाइक लेके निकली है जिसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं प्रैंक। इधर से आ जाओ, चलो ऐसे आ जाओ। एक्सक्यूज मी, आपकी बाइक बहुत अच्छी है और आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यही कॉम्प्लीमेंट देना था आपको, मैंने आपको पीछे से देखा। वैसे सुमित एक मिनट रुक, बाहर रुक सकते हो, गाड़ी बंद कर दो ना। अरे आपसे मिल के ऐसा खुशी हो रही है मुझे जैसे मैं ना कटरीना कैफ से मिल लिया। अरे सच में आपको नहीं हुई, मैंने आपको पहले भी देखा, सरस्वती घाट साइड देखा मैंने आपको, फिर वहाँ पे देखा, फिर यहाँ देखा, फिर से आप, मैं सोचा कि अभी बात करना चाहिए आपसे और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो मैं सोचा आपको। मतलब आप पीछा कर रहे थे मेरा? अरे नहीं नहीं पीछा नहीं कर रहा था मैं, तो मैं तो आ रहा था, आप मेरे आगे आगे चल रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा पीछा कर रही हो। गाइज इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रही है और इसको कतर होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम। और गाइज इस टाइम पे यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोग प्रेडिक्शन करके पैसा अर्न कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस टाइम पे यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा परी मैच प्लेटफॉर्म। तो आप सभी पूछोगे सुमित भैया परी मैच ही क्यों, तो इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको लो मिनिमम डिपॉजिट मिल जाता है और बहुत सारे तरीके फास्ट तरीके मिल जाएंगे आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के। परी मैच पे आपको अपकमिंग मैचेस के रिजल्ट प्रेडिक्ट करने होंगे, इट्स फास्ट एंड ईजी, बस आप कुछ क्लिक करो आप गेम में होंगे। और परी मैच पे आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेरियस ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। परी मैच पे आपको स्पेशल बोनस मिलता है अप टू 20,000 फॉर ऑल न्यू यूजर्स। और अगर आप सभी को अभी डाउट है तो परी मैच ने आप सभी के लिए एक स्पेशल कैलकुलेटर डिजाइन किया है जहां आप रियल गेम से पहले अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। सो दिस इज द हाई टाइम टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। सो परी मैच ज्वाइन करो और ट्रांसफॉर्म करो अपने पैशन को रियल मनी में। देखो अभी वहां पे मिली, यहां पे मिली, तो पीछा करना तो हो सकता है आप मेरा पीछा कर रही हो, ऐसा तो नहीं है हैंडसम लड़का देखा तो पीछा करने लगी। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, बताइए क्या था काम है बताइए। अरे काम कुछ भी नहीं है, बस आप अच्छे लगे मुझे तो मैं सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूँ मैं। अच्छे तो बहुत लगते हैं, फिर आप सबसे बात करते हैं क्या? हाँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को बात करता हूँ। तो एक मिनट रुक जाऊँ, मैं उतर आऊँ गाड़ी से, आपके पास टाइम है, आप किधर जा रहे हो? मैं बस ऐसे ही राइड पे आई हूं। और आप मुझे लगता है इलाहाबाद से नहीं हो ना? क्यों आप से हो? मैं तो प्रॉपर इलाहाबाद से, क्योंकि मैंने इलाहाबाद में ना लड़कियों को बाइक चलाते हुए नहीं देखा और आपने ऐसे शॉर्ट्स पहन के यहाँ पे बाइक चला रहे हो, तो मुझे लग रहा है आप कहीं बाहर से आए हो, दिल्ली से हो या मुंबई से हो? नहीं मैं इलाहाबाद से हूँ। इसका मतलब आप इलाहाबाद में देखे? नहीं इलाहाबाद देखे, हम लोग बचपन से इलाहाबाद देखते हुए आए हैं। नहीं, नहीं? देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? इलाहाबाद नहीं देखा, इलाहाबाद में लड़कियों को नहीं देखा। चलो फिर, अच्छा फिर आप दिखा दो ना मुझे कभी अपनी बाइक पर बिठा के। वैसे सुमित नाम है मेरा, आप एडवोकेट हो गया? अरे गाड़ी में तो एडवोकेट लिखा हुआ है ना इधर। मेरा भाई है, भाई की गाड़ी है। अच्छा भाई की गाड़ी है, यार मेरे भी गाड़ी के आगे एडवोकेट लिखा है, मेरा भी भाई जो है एडवोकेट ही है, भाई की गाड़ी है। बाहर से आया हूँ मैं, मुंबई से हूँ और कुछ टाइम पहले इधर आके स्टे किया हुआ है। और मैं ना बहुत कम ही घुमा हूँ यहाँ पे, कुछ ही जगह। हाँ अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी इसलिए चले आया मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी कोई दोस्त बन जाए, एक अच्छी सी प्यारी सी आप जैसे, और उसके बाद जो मुझे घुमाए इलाहाबाद ऐसा वैसा। तो फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, फ्लर्ट करना रहेगा डायरेक्ट आपको प्रपोज कर दूंगा मैं। अच्छा मैंने आज तक मालूम है मेरे पीछे न जाने कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है 25 साल में अपने। मेरा वेट कर रहे थे? आप ही का वेट कर रहा था, समझ तो गई आप। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको प्रपोज मार दूँ।
लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको प्रपोज करूंगा ना तब भी आप मुझे ना कर दोगे। जब आपको पता ही है तो फिर क्यों करेंगे? लेकिन दिल है कि मानता नहीं ना। कभी कभी दिल मान भी जाता है। नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ, आपको प्रपोज कर दूँ? देखो अभी यहीं पे करूँ? अपने दिल की सुनिए। अच्छा क्या दिल कह रहा है ना? क्या मानेंगे नहीं? हाँ दिल तो मेरा कह रहा है नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि मेरा दिल झूठा हो जाए और आप मान जाओ। झूठा क्यों हो जाएगा, दिल कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अच्छा तो मैं देखो पहले तो ऐसी, अच्छा आपको बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया होगा मुझे मालूम है। अच्छा आपको बॉयफ्रेंड है कि नहीं है इस टाइम पे? ये क्यों बताऊँ आपको, ये बताने में क्या जा रहा है? कौन होते हैं ऐसे मैं हर किसी को बता दूंगी। नहीं ऐसे पूछ रहे हैं तभी तो मैं। अच्छा आपको क्या किसी लड़के की जरूरत नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, हस्बैंड नहीं चाहिए? मुझे किसी की हस्बैंड नहीं चाहिए, चाहिए एक टाइम के बाद। सेल्फ डिपेंड हो अभी तो? अरे उस मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो नहीं तो देखो किसी हर किसी को ना अभी देखो आगे चल के शादी करनी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, हर एक चीज़, तो उसके लिए तो एक लड़के की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है वो लड़का मैं ही क्यों ना हूँ, हो सकता है वो लड़की आप ही क्यों ना हो। तो आपको प्रपोज, आप सच बताओ आपको बॉयफ्रेंड है कि नहीं, बता सकते हो? इतना आप हर एक चीज़ प्राइवेसी में क्यों रखते हो? मैं बता दूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ नहीं है। तो है कि नहीं है क्या बताऊँ? जो हो, जो सच हो, जो सच हो क्या बता दो? जो सच हो, नहीं है तो बोल दो नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मैं आज आपको प्रपोज करना चाहता हूँ, इधर ही करूँगा। देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा लगेगा जब मुझे आप मना करोगे, मुझे मालूम है कि आप मना करोगे। जब आपको पता है मैं ना करूँगी तो फिर आप... तो मैं चाहता हूँ कि ना मेरी, मुझे आज आप झूठा साबित कर दो, मैं प्रपोज कर दूँगी आपको प्लीज। क्या नाम बताया आपको? प्रतिभा। प्रतिभा आपको नाम तो याद नहीं रह रहा है। अरे बताया ना मैंने, प्रतिभा नाम है ना आपका? प्रतिभा एक आपका हाथ पकड़ लूँ क्या मैं? Sorry. प्लीज़। अरे क्या हो गया अब इतना ना करूँ प्रपोज? ऐसे किसी का आप हाथ पकड़ लेंगे और मैं ऐसे किसी को हाथ पकड़ने दूँगी? नहीं पकड़ने नहीं दूँगी, लेकिन इसलिए मैं परमिशन ले रहा ना। जैसे आप जिस तरीके से आपका लुक है, जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है, उस तरीके से आपको बहुत ब्रॉड माइंडेड रहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है ना आप किसी गांव से हो। नहीं नहीं ब्रॉड माइंडेड का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई? नहीं देखो गांव की लड़कियां रहती है ना तो ऐसे ही करती हैं। हाँ कोई भी एक्सेप्ट कर ले, प्रपोज कर दे, एक्सेप्ट कर ले, किसी से बात करने लग जाए। नहीं वो ठीक है, अगर मैं किसको भी ना, यही होता आपकी नज़र में? नहीं वो चीज़ नहीं है। देखो इतने सारे लोग हैं, मैं किसको भी नहीं कर रहा हूँ प्रपोज, सिर्फ आपको कर रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे हो, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं करता। तो इतना तो आप हैंडशेक कर लिया तो हाथ पकड़ने दे सकते हो प्लीज़ ना। सॉरी आप नहीं चाहते हो कि मैं आपको प्रपोज करूँ? एक लिस्ट में एक नाम और आ जाएगा, एक सुमित नाम का लड़का आया था प्रपोज करके गया। What do you mean, list? बहुत बहुत सारे लड़कों ने आपको प्रपोज किया होगा ना, बहुत सारे को रिजेक्ट किया होगा। मैं आपसे रिजेक्ट होना कैसे पता कि बहुत सारे ने? अरे आप हो ही ऐसे ना कि नहीं, नहीं, नहीं जब मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको हाँ कर दूंगी? तो मैं रिजेक्ट होना चाहता हूँ आपसे। पहली बार ऐसा लड़का मिला होगा जो आप कह रहा है मैं रिजेक्ट होना चाहता हूँ। ठीक है प्रपोज कर दूँ? हाँ करूँ क्या? रिजेक्ट होना है तो कर दे। नहीं करता मैं, बढ़िया ही है, रिजेक्ट करेंगी, इतना हैंडसम सा लड़का मिलेगा नहीं कभी। हसदे चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफा नाल डील करना होता। मेरे जैसा तो कभी नहीं खेल रहे आप मेरे साथ, मेरे थिंकिंग का तो और नहीं मिलेगा आपको। ओह माय गॉड, इसलिए कह रहा हूँ। तो अभी किधर जा रहे हो आप? सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया, सच में आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं सोचा दो मिनट बात करता हूँ आपसे, बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी मिलेंगे कहीं पे, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट टाइम मिलूंगा मैं तो कार से मिलूंगा, आज पहली बार मिला हूँ बाइक पे। अगर आपको मेरे साथ बाइक राइड पे चलनी है तो आप चल सकते हो, बुलेट पे चले फिर मैं आपकी बाइक पे चलूँ। अच्छा हम लोग दोस्ती करें नेक्स्ट टाइम कभी चलें, यहाँ पे राइडर बहुत है ना, पूरे सारे 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 राइडर हैं। और भाई कैसे, तो हम लोग नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? और भाई आ जाओ, हाँ नंबर शेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे तो आपको ना दूसरी बाइक पे घुमाऊंगा। और भाई कैसे हैं? ठीक है भाई, तो मैं आपका नंबर शेयर कर लें प्लीज़। आपकी बाइक कौन सी है दोस्त? अरे वाह, एक राइड पे चले, लेके आओ ना, थोड़ा इधर लेके आ जाओ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कब मिल रहे हैं बताऊंगी, दोस्ती करें। देखो मैं भी राइडर हूँ आपको बता दूँ, मुझे भी बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो मेरे पास ना कार कलेक्शन का, मैं बाइक कलेक्शन बहुत ज़्यादा है।
अभी आप बोलोगी तो आप थोड़ी देर पहले बताया था कि कार मैं बहुत आपके पास जाता है। मैं सोचा ना आपको ना सारी चीजें झूठ बोल के करूं, लेकिन अभी सच बता रहा हूं। तो आप बोलो मेरे साथ चल रही हो या फिर नहीं चल रही हो राइड पर? हाँ चलिए एक राइड हो जाएगी। आपके बाइक पे? नहीं उस बाइक पे। चलो मैं ये बाइक पे चलता हूँ। थैंक यू। नाम क्या है आपका? विमल। चलो आप भाई देखो मेरे को पहचानते नहीं तब भी अपनी बाइक दे दिया मुझे। भाई मेरी बाइक किधर है? बहुत नेक बंदा हूँ देख लो आप। अभी क्या चाहिए? चले रेस लगाओगी? दिन किसी ने ना रोका किसी ने ना टोका बेबी मैं हूँ आग का धोखा मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी हिला दूंगा दुनिया जो हो गया होगा।